हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का एक केस एजुकेशन यूट्यूब चैनल पे। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा वैकेंसी निकल के आ रही है जो कि है जूनियर इंजीनियर की वैकेंसी, जिसमें ऑल ओवर इंडिया के कैंडिडेट आप अप्लाई कर सकते हैं। तो लास्ट तक मेरे साथ इस वीडियो में बनी रहेगा, सारी डिटेल इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए नोटिफिकेशन पे चलते हैं, वहाँ से सारी डिटेल्स आपको बताते हैं। दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं, ये नोटिफिकेशन आपका एम्प्लॉयमेंट न्यूज पेपर 27 फरवरी से 5 मार्च 2021 के बीच में यहाँ पर निकाला गया है। नोटिफिकेशन की बात कर लेते हैं यहाँ पे, तो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन चंडीगढ़ के द्वारा निकाला गया रिक्रूटमेंट नोटिस है यहाँ पे, जो कि है जूनियर इंजीनियर सिविल के लिए। इस वैकेंसी की बात करें तो 42 नंबर पोस्ट यहाँ पे निकाले गए जो कि जूनियर इंजीनियर सिविल में निकाले गए हैं। अब यहाँ पे बात करते हैं पोस्ट का डिस्ट्रीब्यूशन, तो जनरल में 22 पोस्ट है, ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 4 पोस्ट है, ओबीसी में 10 है, एससी में 6 है। इसी से टोटल पोस्ट की बात कर लेते हैं तो 42 वैकेंसी यहाँ पे निकाली गई है। दोस्तों बात करते हैं इसेंशियल क्वालिफिकेशन, इसमें क्या मांगा गया, तो सबसे पहले आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं 3 ईयर्स का डिप्लोमा अगर आपने सिविल में किया हुआ है तो अप्लाई यहाँ पे कर सकते हैं। साथ में सर्टिफिकेट आपका होना चाहिए आईसीटी स्किल्स कोर्स में, जैसे कि CCC जो कि 80 आवर्स का होना चाहिए गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट से, या फिर रिप्यूटेड इंस्टीट्यूशन विच इज एन ISO सर्टिफाइड, या फिर डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एक्रीडिएशन ऑफ कंप्यूटर कोर्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, या फिर फ्रॉम NIELIT के द्वारा। तो यहाँ पे बाकी डिटेल्स आप चेक कर सकते हैं। नोट पॉइंट में ये भी दिया है कि दोज कैंडिडेट हु हैव एक्वायर्ड डिग्री इन सिविल इंजीनियरिंग, तो डिग्री है अगर सिविल इंजीनियरिंग डिसिप्लिन में तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। साथ में यहाँ पे दिया है कि एलिजिबल बट सच कैंडिडेट विल बी कंसिडर्ड एट पार विथ द बेसिक क्वालिफिकेशन, आपके पास होना चाहिए डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग में। यहाँ पे दिया है द कैंडिडेट हु हैव सर्टिफिकेट या डिप्लोमा या बैचलर्स या फिर मास्टर्स होना चाहिए आपके पास कंप्यूटर साइंस में किसी भी रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी से, तो नीड नॉट हैव ICT स्किल्स कोर्स सर्टिफिकेट। एज की बात करते हैं तो 1/1/2021 के अकॉर्डिंग काउंट होगा, 18 से 37 साल एज लिमिट होनी चाहिए जनरल और EWS कैटेगरी के केस में। बाकी अगर आप यूनियन टेरेटरी चंडीगढ़ के बिलोंग करते हैं तो आप OBC कैंडिडेट को 18 से 40 साल मिल जाएगा। कि आप यहाँ पे SC के लिए देख सकते हैं 18 से 42 साल है, 18 से 47 साल यहाँ पे पर्सन विद डिजेबिलिटी बेंच मार्क के लिए यहाँ पे दिया गया। बाकी डिटेल्स यहाँ पे चेक आप कर सकते हैं। बात करते हैं इंपोर्टेंट डेट की, तो 8 मार्च से एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाएगा, 30 मार्च 2021 तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपका कंफर्मेशन लिस्ट जो है फी पेमेंट का 5 अप्रैल को जारी किया जाएगा, और मान लीजिए कि फी कंफर्मेशन लिस्ट में अगर आपका नाम नहीं आता है तो आप यहाँ पे सबमिट कर सकते हैं अपना प्रूफ, जो कि आपका 12 अप्रैल 2021 डेट यहाँ पे दिया गया है। एग्जामिनेशन कब होगा उसका बाद में आपको यहाँ पे बताया जाएगा। इसके अलावा आप यहाँ पे जनरल इंस्ट्रक्शंस आपको दिए गए हैं। अब यहाँ पे मोड ऑफ सिलेक्शन की बात करते हैं, तो ऑब्जेक्टिव टाइप का आपका रिटन टेस्ट होने वाला है जो कि पार्ट 1 पार्ट 2 यहाँ पे चेक कर सकते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे। अब इसमें हम बात करें तो क्वालिफाइंग मार्क्स का, तो पार्ट 1 एंड पार्ट 2 की अगर बात करें तो 40% SC कैटेगरी को लाने हैं, 45% बाकी ऑल अदर कैटेगरी को यहाँ पे लाने हैं। नो इंटरव्यू विल बी कंडक्टेड, तो कोई भी इंटरव्यू नहीं होगा। निगेटिव मार्किंग 0.25 मार्क्स के यहाँ पे रहने वाले प्रत्येक रहूंगा आंसर के लिए। फाइनल ईयर के स्टूडेंट है तो भी आप यहाँ पे एलिजिबल हो जाएंगे, लेकिन जब भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपको बुलाया जाएगा उस समय आपके पास जो है सर्टिफिकेट होना चाहिए। अब बात करते हैं कि यहाँ पे पार्ट 1 में आपसे क्या क्या पूछा जाएगा, तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो पार्ट 1 में पूछा जाएगा उसमें देख सकते हैं 10 क्वेश्चंस प्रत्येक सब्जेक्ट से रहेगा, स्ट्रक्चरल मैकेनिक्स से कंक्रीट टेक्नोलॉजी, उसके बाद डिजाइन ऑफ रिइंफोर्स्ड कंक्रीट RCC और स्टील स्ट्रक्चर, उसका कंस्ट्रक्शन मटेरियल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, उसके बाद वाटर सप्लाई एंड वाटर वेस्ट वाटर इंजीनियरिंग यानी कि एनवायरमेंट, उसके बाद सॉइल मैकेनिक्स फाउंडेशन और हाईवे इंजीनियरिंग से क्वेश्चन 10-10 रहेंगे, 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के रहने वाले हैं। 70 क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे 5 क्वेश्चन प्रत्येक यहाँ पे सेक्शन से रहेंगे, अप्लाइड मैकेनिक्स है, कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट एंड अकाउंट से, क्वालिटी सर्वेइंग एंड वैल्यूएशन है, फ्लूड मैकेनिक्स इरीगेशन और सर्वेइंग से रहेंगे। 30 क्वेश्चन यहाँ पे बोला है कि लेवल ऑफ द क्वेश्चन विल बी डिप्लोमा स्टैंडर्ड एज पर द क्वालिफिकेशन प्रिस्क्राइब फॉर द पोस्ट। और यहाँ पे पार्ट 2 में देख सकते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पूछे जाएंगे जो कि इंग्लिश मेंटल एबिलिटी और कंप्यूटर एप्टीट्यूड के यहाँ पे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स के। और यहाँ पे ड्यूरेशन 3 घंटे का रहने वाला है टेस्ट का। और सिलेक्शन प्रोसेस की बात करते हैं, जो रिटन टेस्ट होगा उसी के आधार पर आपका सिलेक्शन होगा, जैसे ही एग्जामिनेशन हो जाएगा उसके अगले दिन आपको जो है नेक्स्ट डे उसका आंसर की अपलोड कर दिया जाएगा। आंसर की में आपको कोई ऑब्जेक्शन होता है तो आप सबमिट अपना कर सकते हैं 3 दिनों के अंदर यहाँ पे। और बाकी यहाँ पे देख सकते हैं आगे जो भी प्रोसेस आपका रिटन टेस्ट के आधार पर मेरिट लिस्ट तैयार होगा उसके बाद आपको यहाँ पे बुलाया जाएगा डॉक्यूमेंट वेरीफिक के लिए, तो कोई भी इंटरव्यू नहीं होगा, डायरेक्टली यहाँ पे आपका सिलेक्शन कर लिया जाएगा। दोस्तों बात करते हैं कि ऑनलाइन एप्लीकेशन के बारे में, तो 8 मार्च से लेकर के आप इसमें 30 मार्च तक अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों बात करते हैं एप्लीकेशन फॉर्म की, तो ₹500 एप्लीकेशन फी रखे गए SC है, PWD एक्स सर्विस मैन के लिए, बाकी कैटेगरी वाले के ₹1000 एप्लीकेशन फी यहाँ पे रखे गए हैं। तो यहाँ पे ऑनलाइन एप्लीकेशन 8 मार्च से लेकर के आप इसमें 30 मार्च तक अप्लाई कर सकते हैं, तो बाकी डिटेल्स यहाँ पे चेक कर सकते हैं। इस नोटिफिकेशन का लिंक जो है टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगा और टेलीग्राम का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, तो दोस्तों वहाँ पे जाकर के इसे डाउनलोड करके डिटेल में पढ़ सकते हैं। तो आज के अपडेट में बस इतना ही, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, नया चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।